हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, अभ्यास 1 था, वो हमने आपको समझा दिया अच्छी तरह, उसकी थ्योरी भी और उसके सॉल्यूशन भी करा दिया आपको। जो क्वेश्चन थे वे भी आपको सारे करा दिए, ठीक है जी। आज से हम आपको अभ्यास 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में देख लेना है कि हमें इसमें क्या सीखेंगे, ठीक है जी। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो को मिलाकर पूर्ण संख्याएं बनती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। अगर जीरो ना हो इसमें, 1 से शुरू हो, तो ये काउंटिंग नंबर हो जाएंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या क्या हो। अब इन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं करेंगे, यानी कि 4 संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब है किसी भी सवाल को, मैथ में किसी भी सवाल को सोल्व करना, हल करना, उसे ही ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, नंबर 1 योग, इसका ये सिंबल है, चिन्ह है, इससे प्रदर्शित होता है, यानी कि एक ऊपर को लाइन और एक बीच में से सीधी स्ट्रेट लाइन दो, तो प्लस जैसा आकार बनाओगी, जैसा डॉक्टर का होता है। तो जहां भी ये चिन्ह दिखाई दे आपको, सोच लो ये योग का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, ऐड का चिन्ह है। नंबर 2 घटाओ, घटा का मतलब होता है, घटा का जो साइन होता है, ये एक लाइन होती है पड़ी हुई, है ना, जहां ये चिन्ह लगा हुआ होगा, सिंबल लगा बना होगा, आप सोच लो ये घटा का सवाल है, यानी कि सब्ट्रैक्ट माइनस, ठीक है। 2 होगी। अब तीसरी होगी गुना, गुना का ये क्रॉस जैसा चिन्ह होता है ना, इसका ये साइन है, जहां भी ये साइन लगा होगा, इसका मतलब होता है वो क्वेश्चन गुना का है, यानी कि मल्टीप्लाई का है। नंबर 4 पे भाग, है ना, भाग का चिन्ह ये होता है, एक पड़ी लाइन के ऊपर एक बिंदी और नीचे भी एक बिंदी, या फिर इसके लिए एक ये भी होता है, ये वाला साइन भी होता है, एक और होता है, अगर आप ऐसे एक ओब्लिक या तिरछी लाइन बना दे और इसके ऊपर कुछ लिख दे और यहाँ पे लिख दे, तो ये भी डिवाइड का ही माना जाता है ना, तो इन्हें भी याद रखिए। तो स्टूडेंट, आपको ये 4 ऑपरेशंस आपको सीख लेने हैं, ये मेन है। अगर आपसे ये नहीं आते तो आपसे कभी मैथ नहीं आ सकता। और ये नर्सरी क्लास से शुरू हो जाते हैं, ऐड प्लस, है ना, तो आगे बढ़ते रहते हैं, शुरू में छोटे छोटे होते हैं, फिर बाद में बड़े बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन जिसको मेथड समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, उसके लिए उसे फिर जीवन में कभी भी ये चारों के चारों सीखने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर कोई शुरू से इन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखता चला जाता है, इसकी थ्योरी को समझ लेता है, ठीक है जी। तो हम इसमें आपको सिर्फ ऐड के बारे में सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्ट के बारे में, फिर गुना के और फिर भाग के, इस तरह इसकी 4 वीडियो बनेंगी, ठीक है जी। तो 4 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। इसमें हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि जिन संख्याओं को जोड़ते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, जोड़ने के बाद जो आंसर आंसर आया आपका, उसे कैसे चेक करें कि वो सही है या गलत है, है ना, हासिल क्या होता है ये भी बताएंगे, और कैसे जोड़ते हैं ये भी हम आपको इसमें समझाने वाले हैं, और उनकी इन सब की डेफिनेशन भी हम आपको, परिभाषा भी समझाएंगे, ठीक है जी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखो, योग या ऐड क्या है, जब 2 या 2 से अधिक संख्या या अंकों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, है? एक साथ चिन्ह लगाकर एक साथ मिलाकर लिखते हैं, तो यह प्रक्रिया योग कहलाती है। जैसा आपके पास 3 है ना, और 4 है ना, मान लीजिए आपके पास 3 पैसे हैं और 4 पैसे हैं, आपको आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं टोटल, है ना, तो
तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मिला के एक साथ काउंट कर लेंगे दोनों को। अब फोर लिखा, प्लस लिखा और थ्री लिखा, थ्री लाइन ये होगी, फोर ये होगी मान लीजिए। अब आप इन्हें एक साथ काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इन दोनों को मिलाकर एक साथ काउंट करने पर जो आंसर आता है उसे ही हम योग एड कहते हैं, कि भाई योग कर दिया, टोटल कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो समझ में आएगा कि भाई योग क्या होता है, जब दो संख्या हो दो डिजिट को मिलाकर एक आंसर लिखा जाता है, है? तो उसे ही हम जोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो एड एंड यानी कि योगात्मक संख्याएं क्या होती है, जिन संख्याओं या पदों को जोड़ते हैं उन्हें हम योगात्मक संख्याएं या एड एंड कहते हैं। ठीक है जी, जैसे थ्री और जो फोर है ये एड एंड है यानी कि योगात्मक संख्याएं है। अब है टोटल या योगफल, जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त होता हो उसे हम योगफल कहते हैं, यानी कि सम भी कह सकते हैं भाई है, और उन्हें टोटल भी कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको ये संख्या दे दी, आपको ये आपने लिखी, ये लिखी, ये लिखी, ये दोनों संख्या लिख दी, ये तो होगी संख्या योगात्मक संख्या है दोनों ये, और या इन्हें इंग्लिश में एड एंड कहेंगे। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको आंसर प्राप्त हुआ इसे आप कहते हैं योगफल, सम या टोटल। ठीक है, समझ में आ गया, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया। आप कैसे जोड़ते हैं ये देखिए, दी गई संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं, फिर इकाई की ओर से जोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि राइट साइड से जोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे। शुरू करते हुए राइट साइड से शुरू करते हुए बाई की बाई ओर यानी कि लेफ्ट साइड की ओर जोड़ते हुए चले जाएंगे, है ना। जैसे आपको ये संख्या दी गई है 3, 351, 201 और 22, ये संख्या दी गई है आपको, इन्हें ऐड करना। तो क्या कहा इसने, उन्हें करने के लिए सबसे पहले आपको इन्हें स्तंभ या तालिका के रूप में ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है, कॉलम के रूप में। तो सबसे पहले आपने यह लिखा तो हम इन्हें बॉक्स में लिखेंगे, है ना, एक बॉक्स में एक ही लिखेंगे ऐसे एक खाने में। ठीक है जी, उसके नीचे दूसरे वाला लिखेंगे, उसके नीचे तीसरे वाला लिखेंगे। जब लिखेंगे तो हम वंश की साइड से लिखना शुरू करेंगे हमेशा। देखिए पहले हम टू लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, और इधर जो स्पेस बच गया यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ हम जीरो ऐड जीरो लिख देंगे, जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऐसे लिख लिया है, लिखने के बाद फिर आपने इन पे इकाई ढाई सैकड़ा यानी कि वंस टेंस हंड्रेड डाल दिया। फिर आपको जो पहले वाला स्तंभ है इसे स्तंभ कहें, जो पहली पहली वाली खानों वाली लाइन है इसे हम स्तंभ या कॉलम कहते हैं। पहले हम एक पहले वाले कॉलम को ऐड करेंगे, तो वन वन टू और टू फोर, तो इनका जो आंसर आएगा उसे आप यहां लिखेंगे। ठीक है, फिर ढाई वाले जो कॉलम है उसे ऐड करेंगे, तो देखो जीरो और फाइव फाइव और टू फाइव और टू सेवन ऐसे, थ्री टू फाइव और जीरो फाइव। तो पहले एक कॉलम को ऐड करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को ऐड करेंगे, फिर तीसरे को, और जो आगे होंगे इसी तरह सभी कॉलम को आप ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो सुन में आई बात या नहीं आई, तो इस तरह आपको इन्हें ऐड करना है। अब होता है, अब इसमें होता है एक हासिल, ये तो बिना हासिल का था, बिना कैरी का सवाल था। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, हासिल क्या है, दी गई संख्याओं के किसी एक कॉलम या स्तंभ को जोड़ने पर प्राप्त संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या हासिल कहलाती है ना। क्या कोई भी कॉलम जोड़ लो, ये वाला जोड़ लो, ये वाला जोड़ लो, कोई सा भी कॉलम जोड़ लो, और उसे का जोड़कर जो भी आंसर आए है ना, उसके इकाई को अंक को छोड़कर जो भी बची हुई संख्या है वे सारे हासिल कहलाएंगे। जैसे ये देखिए
इसमें दो कॉलम है, एक इकाई का कॉलम है, एक इकाई है और ये दहाई का कॉलम है, ठीक है जी। तो आपने इस पहले कॉलम को ऐड करा कर लिया, तो कितना होगा, 8 2 10 और 5 15, 15 हो गए। तो इसमें जो 15 आया इस कॉलम को ऐड करके, इकाई वाले कॉलम को ऐड करके 15 आंसर आएगा। जो 15 में इकाई का अंक, 15 में 5 इकाई का अंक है, तो ये 5 इकाई का अंक है, और शेष अंक जो बचा एक, क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। ये ही हासिल है। हासिल हमेशा अगले स्तंभ के ऊपर लगाते हैं, हासिल को हमेशा यहां लगाएंगे, इसके स्तंभ के ऊपर यहां यहां लगाएंगे, और इसे इनके साथ ही ऐड करेंगे। तो देखो 3 और 1 4, और 4 8 और 1 9, ऐसे नहीं लिखते यहां, ऐसे पूरा का पूरा नहीं लिखते, वो तो हमने लिखने के आपको बताने के लिए बताया था कि ये 15 था यहाँ है। तो 15 का इकाई का अंक तो हमेशा यही लिखा जाएगा, और जो दहाई का अंक होगा वो अगले वाले कॉलम के ऊपर चला जाएगा, इसकी यानी कि इनके साथ ऐड होगा। अगले स्तंभ के ऊपर लगाते हैं या अगले स्तंभ के साथ उसे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसमें ना आता, इसमें आ जाता, तो इसका भी इसी तरह करते, ठीक है। तो पता चलगा कि केरी क्या होता है ना। हासिल किसे कहते हैं, देखो संख्या हासिल कहलाती है। जैसे किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर संख्या वही संख्या प्राप्त होती है जिसे हम 0 में जोड़ते हैं। अगर कोई 0 को हमें ऐड करना, यानी कि आपके पास 10 रुपए हैं, मान लीजिए आपको किसी ने 0 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए रहे हैं? तो आपका 0 का मतलब आपको कुछ भी नहीं दिया, तो आपके पास 10 के 10 रुपए है ना। तो इसी प्रकार हम 0 में कोई 0 में कोई भी संख्या ऐड करेंगे तो वही संख्या आंसर होगी जिसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 8 प्लस 0, तो 8 ही आंसर आएगा है। 2175 में 0 ऐड करेंगे, 2175 ही आएगा। 9787 में 0 ऐड करी, तो ये 9787 ही आंसर आएगा, ठीक है। जोड़ते समय क्रियाओं का क्रम बदलने पर उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप इसे ऊपर लिख दो, इसे नीचे लिख दो, इसे इसके नीचे लिख दो, तो आंसर में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वो कब वही होगा कि जोन सा आना। तो इसे भी हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आपको ये 3 डिजिट दी गई है, दी गई है आपको, इन्हें ऐड करना, ठीक है। तो आप ये 3 डिजिट है, तो आप इन्हें 3 बार ऐड कर सकते हैं। तो आपने पहले यह संख्या लिखी, फिर दूसरे नंबर पर दूसरी लिखी, फिर तीसरे नंबर पर तीसरी लिखी, लिख दी, तो आपने बिना ऐड करा है ना। तो पहला कॉलम ऐड करा, पहला कॉलम ऐड करके क्या आ गया, 15। तो आपने इकाई का अंक तो यहां लिखा, जो दहाई का अंक है उसे आपने नेक्स्ट वाले कॉलम के ऊपर लिख लिया ऐड करने के लिए। तो आपने साथ ऐड करा, फिर क्या आ गया इस कॉलम को ऐड करके, 16। जो जो दहाई का अंक है फिर आपने अगले कॉलम के ऊपर लिख दिया, इसके साथ ऐड करा, फिर 15 आ गया। अगर आगे कोई अंक, कोई भी कॉलम नहीं है, तो आप फिर उसके कैरी नहीं लगाएंगे, लास्ट में उसे पूरा का पूरा लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है जिसमें आप इसे लगा लें या उसके साथ ऐड कर दें, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ इसका क्रम बदल दिया, तो ये जो पहले वाले लास्ट वाली डिजिट थी हमने उसे सबसे ऊपर लिखा, और जो सबसे ऊपर वाली थी उसे हमने बीच में लिखा, और जो बीच वाली थी उसे सबसे नीचे लिखा। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो भी इनका आंसर यही आएगा, 5 6 5 1, है ना। अब हमने क्या करा, इन्हीं वाली डिजिट को फिर देखो, सबसे लास्ट वाली तो ऊपर लिख दी, और जो ऊपर वाली थी उसे बीच में लिख दी, और जो बीच वाली थी उसे सबसे लास्ट में लिख दी। तो अगर इन्हें भी ऐड करेंगे तो भी इनका आंसर सेम आएगा। कभी कभी ऐसा होता है संख्याएं बदल दी जाती हैं और सवाल आंसर वही होता है। तो अगर इनमें संख्या चेंज नहीं है, एक ही डिजिट को ऊपर नीचे रख के उनका क्रम चेंज करके लिख रहे, तो आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आंसर सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे लेता है जो ऐसा होता है, इन्हें कैसे ऐड करें, है ना। ऐसे तो आपसे ऐड करना आ गया, अब ऐसे नहीं आता,
तो ऐसे ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले वंस और वंस को ऐड करेंगे, जो वंस प्लेस पर डिजिट है। तो यहाँ 7 है, यहाँ 0 है। 7 0 कितने होंगे, 0 में किसी भी संख्या को ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा, यानी कि वही डिजिट आएगी, होगा ऐड वंस वंस। अब 10 10 प्लेस वाली ऐड करेंगे, 10 प्लेस पर देखो क्या है, 10 प्लेस पर 6 है और 10 प्लेस पर 3 है, दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए, 9। अब 100 प्लेस की ऐड करेंगे, 100 प्लेस पर 5 है, यहाँ 4 है, दोनों को ऐड करा, कितना आ गया, 9। फिर 1000 प्लेस पर ऐड करेंगे, दोनों 7 7 है, तो कितना होगा, 14। ठीक है जी, तो इस तरह ऐड करते हैं। अगर अगर कोई भी ऐसे लिखी हुई डिजिट है आपको उन्हें ऐड करना, तो आप उन्हें ऐसे ऐड करिए। ठीक है, अगर 0 में कोई भी डिजिट जोड़ रहे, चाहे 0 इधर हो चाहे इधर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हो या नीचे हो, आंसर फिर भी सेम का सेम ही आएगा। देखो हमने इस बार 0 इधर कर दी, पहले इधर थी, तो आंसर फिर भी सेम का सेम आ गया। तो स्टूडेंट, अगर जैसा ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, अगर आप इसे ऐड करेंगे, सबसे पहले पहले वाले कॉलम को ऐड करो। आप यही ना देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लाख तक है, क्या जरूरत है हमें लाख तक देखने की। सबसे पहला हमें एक नो सोचो, ये इतना ऐड करना हमें, तो हम इसे अलग लिख के ऐड कर देंगे, 2 2 4, और इसका आंसर यहाँ लिख दो, यानी कि एक क्वेश्चन खत्म हो गया। मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन आपको दे दिए, 6 क्वेश्चन दे दिया, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कोई केरी नहीं आया, केरी कब लगेगा, जब 9 से ज्यादा होगा, जब डबल डिजिट होगी तभी केरी ऐड होगा, क्योंकि 10 प्लेस जब भी तो आएगी, जब डबल डिजिट में होगा वंस, अगर एक डिजिट है 9 तक आ रहा ऐड करके, तो कभी भी केरी नहीं लगने का, 10 होते सार लगना शुरू हो जाएगा, जिसमें 10 प्लेस आ जाएगा, क्योंकि ये 10 प्लेस का है, तो 10 प्लेस में ये ऐड होता है। तो अब हम इस कॉलम को ऐड कर लेते हैं, 6 7 8 हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम इस कॉलम को ऐड कर लेते हैं, 8 2 10 और 7 17, देखो ये 17 आ गया, तो हमने वंस वाली डिजिट तो ही रहने दी है, और जो 10 प्लेस की है, यानी कि बची हुई डिजिट है, उसे हम यहाँ अगले वाले के ऊपर ऐड करेंगे, तो हम इसके साथ ऐड करेंगे नेक्स्ट की, तो 7 होगा, 7 और 6 13 हो गए, तो 13 ऐसे होता है, तो हमें यहाँ 13 का 13 नहीं लिखना होता, 3 लिखना होता है, जो ये कैरी होती है उसे फिर अगले वाले में लिखना है। ठीक है जी, तो हमने इसे ऐड करा 6 और 7, यहाँ भी 13 होगा, तो फिर यहाँ कैरी आ गया, तो हम इसे फिर अगले में ऐड कर देंगे, तो 8 3 और 1 4 और 8 कितने हो गए, 12 और 3 15। तो ऐसे सारे सवाल हो जाते हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये सोच लो भाई 3 4 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे समझ के करेंगे बस, तो करना क्या है, अगर डबल हो जाए तो अगले में ऐड कर दो, और नहीं हो तो ऐसे लिख दो, और लास्ट में डबल हो जाए तो इसे इस कॉलम से इधर लिखते हैं इस साइड। ठीक है, हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट लिखो, जिसे ऐड करा उसका आंसर उसके नीचे ही लिखा है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने हमारे से ऐड करना आ गया, हमसे कहीं गलती तो नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे पूरे नंबर आए, है ना, तो इसके पेपर में हमारे पास आंसर शीट नहीं है कि हम आंसर शीट में मैच कर ले या कहीं से देख लें, तो हमें उस समय जांच आनी चाहिए, चेकिंग आनी चाहिए कि उसकी चेक कैसे करें। तो चेक करने के लिए हम आपको एक मेथड बता रहे हैं। अगर आपने इन दोनों दो संख्याएं हैं आपके पास, उन दोनों को ऐड करा, तो जो भी आंसर आएगा, योगफल आएगा, उसमें से आप इनमें से एक संख्या माइनस करो, कोई सी भी, जैसा हमने ये माइनस करी तो ऊपरले वाली संख्या आंसर आनी चाहिए, अगर ऊपरले वाली माइनस करी है तो नीचे वाली आंसर आनी चाहिए, समझ गए। अगर ऐसे आपका होता है तो आपका सवाल सही है। अगर 3 डिजिट है उन्हें ऐड करा, तो उन्हें कैसे चेक करें, इनका भी जो माइनस, तो हमेशा योगफल में से करना, जो आंसर आएगा इसमें से ही माइनस करना, इनमें से एक संख्या माइनस करो, देखो हमने पहले 800 माइनस कर दी, तो इन दोनों को जोड़कर जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आना चाहिए, माइनस होकर 2 1 और 2 3, 2 और 1 3, और जी 5 और 2 7, तो आया ना यही आंसर, तो ये सही है इसका मतलब। अब हम फिर हमने
इसी में से फिर हमने ये वाली संख्या माइनस कर दी ऊपर वाली, तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आने आना चाहिए, टू का टू, वन जीरो और वन वन, एट और फाइव 13, आया ना ये आंसर, देख लो। अब लास्ट में हमने कौन सी ऐड नहीं माइनस नहीं करी थी अब तक, ये वाली नहीं माइनस करी, अब हम ये वाली माइनस करेंगे, 512 यानी कि 512 को माइनस करेंगे, 512 को माइनस करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ आना चाहिए, जीरो वन वन, टू और वन टू, अच्छा टू और जीरो टू, और एट और टू 10, चाहे आप इन्हें माइनस करके देख लो, थ्री में से टू गए वन और थ्री थ्री में से वन गए टू और फाइव में से फाइव माइनस कर दिए जीरो और वन में से जीरो माइनस गए जीरो, तो ये सवाल सही है। तो इस तरह इसका चेकिंग वे होता है, अगर जितने भी होंगे उसी तरह आप उतनों को ऐड करते हुए चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये पूरी मैथ की वीडियो थी प्लस की ऐड की, तो इसके अलावा आपको कोई कुछ और एक्स्ट्रा कोशिश करिए कि कहीं कुछ भी ना रहे, 100% इसमें आ जाए। ओके स्टूडेंट, इस अगर वीडियो आपको पसंद आती है अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।